in the name of allah, the most merciful and the most beneficent, assalamu alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. i hope that everyone is in good health. well, students, i am your teacher of subject english. so let's start today's lecture. before starting the lecture, i would like to wish you the ha very happy new year. i hope that this year brings many happiness and uh, allah's blessing um, to all of us. okay? well, dear students, today, is 4th of January 2021 and day is Monday. Okay, so let's move ahead to see the topic of today's lecture. And the topic of today's lecture is reading. Okay, today we are going to do reading. Let's see which we are going to do read. It's unit 9.

वन जीरो फोर ब्रिंग योर पेंसिल्स एज वेल बिकॉज दिस पॉइम इज़ क्वाइट शॉर्ट पोइम बट अब डिफिकल्ट ओके थोड़े से इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं विच यू नीड टू गेट इट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन द रीडिंग सो नंबर वन इज बो बी ओ यू जी एच बो बो का मतलब है अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री यानि कि दरख्त की एक बहुत बड़ी शाख ठीक है जो कि झुकी होती है जो झुकी होती है उसको कहते हैं बो नंबर टू इज द ईस्टर टाइड ई ए एस टी आर टी आई डी आई डोंट नीड टू रीड द स्पेलिंग्स एक्चुअली यू आर इन द ग्रेड फाइव सो आई एम गोइंग टू रीड द ओनली वर्ड्स ओके ईस्टर टाइड ईस्टर टाइड से आपको पता चल रहा कि ईस्टर जो कि क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है ठीक है द फोर्टी डेज ऑफ द क्रिश्चन फेस्टिवल ऑफ़ ईस्टर या इनके जो फोर्टी डेज के बाद जैसे उनके भी उनके भी फास्ट होते हैं ना रोज़े होते हैं तो उसके बाद जो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं डैट इज़ कॉल्ड ईस्टर उसको हम ईस्टर कहते हैं उनकी एक ईद होती है ठीक है नेक्स्ट यू कैन सी थ्री स्कोर एंड यू कैन सी देर आर डॉट्स एंड देन थ्री स्कोर का मीनिंग होता है सिक्सटी ईयर्स और जब उसमें टेन को ऐड कर दो तो वो सेवेंटी बन जाता है दिस इज़ अ फ्रेज ये एक फ्रेज़ है ठीक है इट्स नॉट अ वर्ड इट्स अ फ्रेज यानी कि ये इंग्लिश में हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते बट इट्स अ फ्रेज थोड़ा डिफिकल्ट है अ फ्रेज़ डेट वॉज ओफन यूज एक फ्रेज जिसको अक्सर यूज़ किया जाता है टू मीन सेवेंटी ईयर्स कि जिसका मतलब है कि मैं अब सत्तर साल का हो गया हूँ विच वॉज द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो उम्मीद करते हो लाइफ स्पेन लाइफ स्पेन का मतलब है मुद्दत हयात तो ऑफ ए पर्सन के एक इंसान ने कितनी ज़िंदगी जी ली है ठीक है डैट इज़ कोल्ड थ्री स्कोर एंड टेन नंबर फोर इज़ अ वुड लैंड राइड वुड लैंड राइड यानी कि लकड़ी की पूरी ज़मीन है ऐसा कोई जरखेज़ इलाका है वहाँ की हमने सवारी करनी है ठीक है द नरेटर नरेटर क्या है जो बोलने वाला है जो बयान कर रहा है स्टोरी को जो कि पोइट है ठीक है द नरेटर इज़ ट्रैवलिंग बाय हॉर्स नरेटर जो है वो सफ़र कर रहा है हॉर्स के ज़रिए और इन अ कैरेज और किसी रेल के डिब्बे के जरिए ठीक है कैरिज का मतलब बता है जिसमें यू कैन यू कैन कैरी डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस बट इट मस्ट बी डिपेंड ऑन द वन वन बॉक्स ओके जिसमें आप चीज़ें लेकर जाते हैं जैसे आपकी माल गाड़ी होती है ठीक है नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ लिसन मी केयरफुली बिकॉज इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट स्टोरी पॉइंट सॉरी सो प्लीज़ लिसन मी इट्स इट्स अ प्रिंट शॉर्ट इवन देखने में बहुत छोटी सी है लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट इसमें मीनिंग्स है आपको जो समझने पड़ेंगे ठीक है सो इट्स रिटन ई एसमैन फ्रॉम अ ओके लेट्स रीड नंबर वन पैसेज इज लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चैरी नाव लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चैरी नाव यानी कि बहुत ही खूबसूरत से दरख्त हैं जो कि अब जिनके ऊपर चैरीज उग चुकी हैं इज हंग विद ब्लूम इस हंग यानी के हंग को अंडरलाइन कर लें इस हंग लटकी हुई हैं विद ब्लूम पूरी खिल कर अलोंग द बो बो यानी कि बहुत बड़ी दरख्त की जो शाखें हैं वो उसके साथ ऐसे चेरीज लटक गई हैं कि वो झुक गई हैं कि वो जो बड़ी बड़ी शाखें हैं ना वो अब झुक गई हैं ठीक है ब्लूम का मतलब होता है कि अब अब इसमें जो शायर जो नरेटर है वो ये कह रहा है कि एज सीज़न ऑफ स्प्रिंग्स एंड कस्टम ऑफ क्रिश्चियस यानी कि वो कह रहा है कि ईस्टर आने वाला है और जो चेरीज़ हैं ना वो दरख्तों की शाखों के ऊपर बिल्कुल ए, बो हो गई हैं लटक गई हैं झुक रही हैं एंड स्टैंड अबाउट द वुड लैंड राइड ठीक है एंड स्टैंड अबाउट द वुड लैंड राइड वुड लैंड राइड का आपने आपने अभी मतलब देखा था ना कि जिसमें हम किसी चीज़ को कैरी करते हैं और वो खड़ी हुई हैं जैसे कि हमें लग रहा है कि हम जो नरेटर है जो जिसने पोइम लिखी है वो इसमें ट्रैवल कर रहा है यानी कि ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहा है कि वहाँ पे चैरीज इज चैरीज हैं और वो जो पोइम जिसने लिखी है नरेटर शायर जो है पोइट है वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहा है वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड ठीक है वियरिंग वाइट अब वो कह रहा है कि ऐसा वेदर हो गया है कि जिसमें हमें लग रहा है कि स्प्रिंग का सीज़न आ गया है यानी कि बाहर का मौसम आ गया वेरिंग वाइट और उसके ऊपर सब कुछ स्नो की तरह वाइट वाइट लग रहा है फॉर ईस्टर टाइट और किसकी तैयारी हो रही है ईस्टर की तैयारी हो रही है ठीक है नेक्स्ट पैसेज यू कैन सी नाव ऑफ माई थ्री स्कोर ईयर्स एंड टेन अब वो कह रहे हैं अब जबकि थ्री ईयर्स को थ्री स्कोर का मतलब है सिक्सटी ईयर्स कि मैं अब जबकि और बीच में टेन को भी ऐड कर दिया थ्री स्कोर के पास सिक्सटी ईयर्स लिख दें अब वो कह रहे हैं अब जबकि मैं साठ साल का हो गया हूँ और बीच में दस साल और ऐड कर दो सत्तर साल का ठीक है ट्वेंटी विल नॉट कम अगेन वो कह रहे हैं कि मेरे जो बीस साल हैं के वो दोबारा नहीं आएंगे ठीक है वो जो बीस साल हैं ही इज़ ना ही इज़ नाव ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड यानी कि वो अपने आप को प्रीटेंड कर रहा है कि वो जो मैं ट्वेंटी ईयर्स का था वो अब साल दोबारा नहीं आएंगे एंड टेक फ्रॉम सेवेंटी स्प्रिंग्स आ स्कोर और फिर वो कह रहा है कि मैं सत्तर साल का जो है ना उसकी बाहर की खूबसूरती बता रहा है ठीक है इट ओनली लीव्स मी फिफ्टी मोर और ऐसे मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मीन्स um, द जो पॉइंट है ही इज़ होपिंग टू सी मोर वो कह रहा है कि मेरे पास हो सकता है कि पचास साल मैं और जी लूँ ठीक है मैं अभी सत्तर का हूँ लेकिन वो कह रहा है मेरे जो बीस साल गुजर गए हैं बहुत अच्छे थे वो दोबारा नहीं आएंगे तो मुझे लग रहा है कि इट ओनली लीव्स मी फिफ्टी मोर हो सकता है कि मैं पचास साल और गुजार लो ठीक है इट्स द नाइस वे टू पे ट्रीब्यूट टू चेरी ट्रीज यानी कि वो इस तरीके से दरख्तों को देख कर उनको ट्रीब्यूट कर रहा है उनकी उनको उनकी तारीफ कर रहा है ठीक है एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज लास्ट वन एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स और उसके बाद वो देखता है चीज़ों की तरफ इन ब्लूम और कहते हैं कि सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खिल गया है फिफ्टी स्प्रिंग्स आर लिटल रूम और वह कह रहे हैं कि जो फिफ्टी स्प्रिंग्स है ना वो लिटल रूम्स यानी कि जो जो चेरीज हैं ना जो लटकी हुई हैं वो स्नो की तरह लग रही हैं ठीक है थीके? वो एक कमरों में छोटे छोटे रूम्स में ऐसे हमें लग रहा है कि स्प्रिंग्स बाहर आ गई है हर जगह चेरीज़ ही चेरीज हैं और हर जगह स्नो ही स्नो है अब आगे देखें जी अबाउट द वुड लैंडस आई विल गो और वो कह रहे हैं कि मैं वुड लैंडस आई विल गो और मैं इस तरह की इस तरह की जगह पर इस तरह की ज़मीन पर जाऊँगा और मैं वहाँ पर ट्रैवल करूँगा टू सी द चेरी हंग विद स्नो और वो ये कह रहा है कि मैं देखूँगा आई विल सी चेरीज़ विच आर हैंगिंग विथ स्नो जो कि इतनी खूबसूरत लग रही हैं जो कि उसके उन चेरीज़ के ऊपर बर्फ़ भी आ गई है और दे दे हैव हाँ ब्लूम्ड वेरी वेल यानी कि वो अच्छे तरीके से खिल भी गई हैं और इसमें जो नरेटर है इज़ एंड इनफ टाइम टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम और वो कह रहे हैं कि मेरे पास शायद ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट आई इट विलीव मी फिफ्टी मोर कि मुझे पचास साल और मिल जाए यानी कि वो इतना इतना वो अपने आप के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सत्तर साल का हो गया हूँ लेकिन मेरे जो बीस साल गुजर गए वो दोबारा नहीं आएंगे बट आई वॉन्ट टू सी दीज दीज हंग चेरीज एंड द स्नो मोर फिफ्टी ईयर्स ठीक है वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा और देखना चाह रहा हूँ ठीक है सो इन दिस पोइम एक्चुअली द नरेटर इज नरेटर जो है इज डिस्क्राइबिंग द चेरीज एंड द एंड द स्नो विद द स्प्रिंग सीजन एंड ऑफकोर्स द फेस्टिवल ऑफ द ऑफ द क्रिश्चन ठीक है फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन क्या है जो कि ईस्टर है उसके साथ सारा उसको उसको डिजैम्पल करके उसको डिस्क्राइब कराए ओके स्टूडेंट्स सो दैट्स ऑल फॉर टूडे इस लेक्चर होमवर्क इज द रीडिंग ऑफ द पेज वन जीरो फोर Remember me in your prayers take care of yourself allah hafiz